फाइनली ड्रोन मिल चुका है। ये कौन आ गया? अच्छा ये कौन आ गया, ये वाला। अब उन्होंने जब मेरा गला घोटा तब मैंने रिश्तों को जाना। आराम से नगर पालिका को बुलाओ मैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाहन। हिमाचल प्रदेश में है, अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है, लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जस्ट मैं शुरुआत कर रहा हूँ व्लॉग की। आपने डे वन का वीडियो देखा होगा, काफ़ी ऑफ रोडिंग, काफ़ी हंगामा मचाने के बाद में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो ये वाले वीडियो में भी देखिए, इस वाले वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको एक बार यहाँ के जो चारों तरफ की ब्यूटी है, नेचर है, उसका नज़र दिखाता हूँ। इस टाइम भी बारिश हो रही है अभी यहाँ पर, लेकिन हल्की है, इतनी तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश है। सुबह बंद थी लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और मैं रुका हूँ जस्ट इस वाले कैंप में, और कैंप के साथ में ना ये देखिए पूरी वीडियो एकदम, मतलब जो यहाँ का नज़ारा है एक नंबर होने वाला है। कैंप के अंदर का नज़ारा दिखाऊँ आपको तो थोड़ा सा हॉश पॉश हुआ रखा है कैंप में हमारा, क्योंकि डेटा वगैरह ट्रांसफ़र बहुत कुछ करना पड़ता है। एक नज़ारा मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। ये अपन का कैंप है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ भरत भाई और माहिर भाई अपना सेटअप जमाते हुए, कोई चार्जिंग पे कुछ लगा रहा है, तो कोई अपना लैपटॉप का डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। ये कुछ इस टाइप का नज़ारा है। इधर हमारे राजीव भाई आए हैं अभी हल्के होकर। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग लास्ट 10 बजे तक था, तो चलते हैं सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है। और साथ में मैंने अपना ले लिया हाइड्रेशन पैक, क्योंकि मेरे को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो हाथ के हाथ इसको भी फिल करा लाएंगे। तो चलते हैं। ये पूरा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हम यहीं करते हैं। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है। जस्ट आप मेरे सामने देख रहे होंगे यहाँ पर ये टेनिस कोर्ट वगैरह, और साथ में यहाँ पर आपको टीटी खेलने की भी पूरी व्यवस्था है। ब्रेकफास्ट में अपने पास में क्या क्या अवेलेबल है, जस्ट यहाँ से शुरू करते हैं। पराठा, यहाँ पर पराठा, आलू पराठा, आलू प्याज मिक्स, आलू प्याज पराठा मिक्स है। ये दही, इधर दही है, बहुत ही बढ़िया दही, हमें ज़रूरत भी थी। बॉयल्ड एग, बॉयल्ड एग, ये बॉयल्ड एग है। और इधर है ब्रेड जैम, ब्रेड जैम अल्टीमेट। ये इतना इधर चाय है, और चाय के साथ हम बिस्किट है, बिस्किट हम खा गए, बाकी उधर उधर की साइड रखे हुए हैं क्योंकि खब्बड़ हम पूरे हैं। अगेन बारिश होने चालू हो गई है। अभी हम गेम खेलने जा रहे हैं, हिट द टारगेट। तो अभी उसी के लिए टीम डिवाइड हुई है, 6-6 बंदों की टीम है हमारी, 6 एक मरेंगे, 6 एक मरेंगे, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है कौन सी नहीं। चलो तो फाइनली नहा धो के तैयार हो चुके हैं, चलते हैं देखते हैं डाइनिंग हॉल में, वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म हो रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पूरी गाइडलाइन समझा दी गई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आप रेडी हो? यस रेडी। ये
ट्रेन वेलकम कह लो। मैं दिल मत यार, तो मैं आ चुका हूँ ट्रेन में। ट्रेन के बाहर के नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत गजब नज़ारा। अब ट्रेन की बोगी देखो कितनी बड़ी है, क्यों सारे लोग ट्रेन में बोगी के अंदर ही घूम रहे हैं। ट्रेन अभी रुकी हुई है। तो मैं कर रहा हूँ अभी ड्रोन शॉट की तैयारी, और अभी आपने देखा होगा गेम में बहुत मज़ा आया, बहुत हंगामा मचा। सो जस्ट अभी एक नेचर का व्यू दिखाता हूँ आपको। जस्ट मेरे सामने बह रही है नदी। अनमोल भाई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो बोलिए सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे एक तो लेना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा। अरे लीजिए ना सर, लीजिए कुछ कुछ वचन हमारे छोटे से चैनल के लिए। नहीं पैसा नहीं दिया तुमने, पैसा नहीं दिया। भाई ने 1000 मांगे थे, मैं 500 में बात कर रहा हूँ। भाई ने कहा कि नहीं 500 में तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अभी तेरी छोटी है उम्र। तुम साथ सब मुझे भाई अगर पहाड़ से नीचे उतरना तो बताओ, सीढ़ी डालो नीचे। उत्तर कहाँ से लाए थे? ये हेलीकॉप्टर वाली सीढ़ी लग रही है। ग्राउंड ये नीचे की तरफ है, ऊपर तरफ है। बैंक भाई, हाँ भाई, दुनिया को चाहिए, इसको चाहिए झोपड़ी। ये भी शूट हो गया इसमें। मैं नहीं था, दिलीप लौंडा है। मैं नहीं था बड़े भैया, आवाज मिला लो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रैकिंग करने के लिए, और वहाँ पर है क्रिकेट का प्लेग्राउंड, वहीं पर ड्रोन को लेके जा रहे हैं साथ में। बहुत मजा आने वाला है, एक एरियल व्यू दिखाता हूँ आपको। चलिए चलते हैं। मजा नहीं क्यों, मुझे राजीव भाई का जो ये ट्राईपॉड है, इसकी टांग टूट गई है, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया। मैं इनके कैमरे में बोलूँगा इसे। अबे सामने क्यों खड़े हो गए ताऊ? ये राजीव भाई का कैमरा है, इसका ट्राईपॉड की एक टांग टूट गई है। इससे आ गया मेरे को एक डायलॉग याद कि मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक बार मेरी बात पे उदय भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, पैसे दिए और नकली टांग लगवाई है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक दिन मेरी बात पे उदय भाई को बहुत गुस्सा आ गया। मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत बड़ा प्लेयर। मैं एक दिन दादा को मेरे बारे में गुस्सा आ गया, वो बहुत मेरे को तेज निकला कर दिया उन्होंने, किल्ली मेरी किल्ली दे दी। ये देखो गाइस, क्या ही प्यारा व्यू है। ड्रोन शॉट लेने करते हैं तैयारी, और देखिए आप एंजॉय कीजिए ड्रोन शॉट को। जिंदगी ए जिंदगी, गम दे ए जिंदगी, ना जला हाथों को यूं, छूने दे कोई खुशी। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने देना, जीने दे।
अबे क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे? मेरे को नहीं मान, उसको भी नहीं बोल। सही बात कर रहा। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में आ चुके हैं, लंच टाइम हो चुका है और अभी जस्ट जहाँ पर हम कैंप हैं इसका मैंने एक एरियल व्यू लिया है, एक एरियल शॉट लिया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और लोकेशन बहुत पसंद आई होगी, हाईली रिकमेंडेड है, आ सकते हैं। नेचर के बीच में और प्रकृति की गोद में अगर आपको एक एंजॉय चाहिए, एक शांति टाइप का एहसास चाहिए, तो डेफिनेटली हाई रिकमेंडेबल है, आप आ सकते हैं। और बहुत ही मज़ा आया मेरे को यहाँ पर, एकदम शांति वाली जगह है। एक नज़ारा नीचे से देखेंगे, ये देखिए पीछे नदी बह रही है जिसका आपने अभी शॉट देख ही लिया होगा। बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट लिए, बहुत सारे ड्रोन शॉट लिए थे उधर वहाँ पे। और जस्ट अभी ये है लंच टाइम और चलते हैं हम लंच की ओर, देखते हैं लंच में क्या अवेलेबल है। भूख इतनी खास नहीं है क्योंकि मैंने सुबह जम के ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन जो भी हल्की फुल्की है उसको कम्प्लीट करते हैं। चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। लंच में हमारे पास में है, स्टार्टिंग करते हैं सैलेड से, देन हमारे पास में रोटियाँ और उसके बाद चावल है। अभिषेक भाई यहाँ पर बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर क्या है, दाल मखनी, दाल मखनी राजमा भी कह सकते हैं इसको, राजमा दाल मखनी दोनों का मिक्स कॉम्बो बोल सकते हैं। और इधर क्या है, कढ़ाई पनीर आ गया अभी। और इधर आ गया हमारे पास में मिक्स वेज, और मिक्स वेज के बाद में है रायता। यहाँ रायता भी हमारे यहाँ भरत भाई रायते के बहुत शौकीन आदमी। और इधर जो सामने आपको दिख रहा है पानी, तो मतलब लंच में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बिना देर करे लंच को करते हैं स्टार्ट, लंच खाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे कुछ अगर एक्टिविटी होती है तो ठीक है, नहीं तो रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, तो मतलब एक दो घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। भाई का ड्रोन लेना है, ड्रोन खो गया मोहिर माहिर भाई का। तो रास्ता बड़ा स्लिपरी है, आराम से भाई आराम से, खाना वैसे खा रखा है। कहाँ हो तुम, मिला भाई ड्रोन? तो मुझे लग रहा है आई थिंक मिल गया है। कहाँ है ड्रोन? तो मिल गया है आई थिंक, फाइनली ड्रोन मिल चुका है। ये रहा ड्रोन, और अभी ड्रोन की हालत देखते हैं। ओ अब लो ये वाला, ये कौन आ गया इसका? अच्छा ये कौन आ गया ये वाला। स्टार्ट करके देखते हैं कि ड्रोन मतलब सही कंडीशन में है कि नहीं है। बाकी प्रॉपर हल्का सा कॉर्नर टूट गया, लेकिन उसकी वजह से ना वो डिसबैलेंस करेगा। चलिए देखते हैं ऊपर चल के, ड्रोन तो ले लिया। देख गिरा कितनी गंदी लोकेशन पे, हल्का सा नीचे उड़ जाता तो भाई ड्रोन का तो खेल खत्म था। तो गाइस थैंक गॉड रिवर में नहीं गिरा ड्रोन, मिल गया है। और शायद हालत इसकी बहुत गंदी है, या तो पहली बार रेस हुआ है, अब कितनी जान बची है कि खत्म होगी, हॉस्पिटल जाएगा कि क्या होगा इसका, चेक करते हुए दोबारा उड़ाकर पहले इसको नहलाते धुलाते फिर करते चेक एक बार। आज बहुत कुछ हो रहा है, ये मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा अभी तक, पता नहीं। हाँ वो वहाँ रखा हुआ था कैंप के उधर, बहुत बढ़िया, जाओ देख के आओ। यहाँ कोई जानवर भाई, यहाँ देखो पहले, यहाँ का सामान जानवर वगैरह भी जंगल में कोई नहीं है। तो चेक करते हैं ड्रोन में ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, वही एक नहीं है दूसरा है। दो पंछी हमारे पास, ओ भाई फीलिंग सच में है, ये लावा।
वायर में लगता भी है। चल गया। इसे रख लो हो रही है। हमारा ड्रोन चल चुका है, चांद में जान आ गई वापस। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर। सो यहाँ जस्ट अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे, और यहाँ पर अपन के सारे भाई लोग जो कि आपस में कोई ना कोई गुफ्तगु करते हुए एक एक डिटेल विदाउट ब्लर करें। अगर आप जूमिंग करो तो पिक्चर लाइट नहीं होती। भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली, हम आपको हिमेश रेशमी अवार्ड दिलवाएंगे। जय माता दी, लेट्स रॉक एट कैंप रॉक। एट कैंप रॉक। ये अच्छा था गुरु, क्या हुआ? इधर चल रहा है, क्या हुआ? इधर चल रहा है हमारा बोन फायर की तैयारी, यहाँ चल रहा है हमारा बोन फायर की तैयारी। साथ में इधर हमारे संजय भाई। हेलो। कैंप रॉक में बेसिकली बहुत सारा मैनेजमेंट जो है वो जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, और थोड़ा सा सहायक रूप में हमारे भाई भी काम करते हैं इसके साथ में। जस्ट अपना इधर से आ रहे हैं, बाकी भाई लोग थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है, तो ज़रा आने दीजिए पास, फिर दिखाता हूँ आपको लोकेशन कुछ इस टाइप की। थोड़ा अंधेरे में आपको कुछ खास तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक कवर करने की। ये हमारे निकले जगत भाई, ये निकले हमारे वरुण भाई, और इधर से हमारे आए हैं रॉय भाई। और भैया, और लाइटिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइटिंग के लिए बहुत धन्यवाद। मैं रोकी हूँ, कर लो अगर कुछ ब्लॉग करना है तो। कुछ एम्बियंस में इस टाइप का यहाँ पर सुंदर तरीके से डिजाइन किया है सजावट का। मैं कैंप रॉक, और ऊपर वो पेड़ों की मैंने लाइटिंग लगाई है ना ऊपर यार, वो बड़ी प्यारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मज़ा आने वाला है काफ़ी, तो देखते हैं अभी आगे कुछ और होता है, डांस वांस भी होगा, तो अब यहाँ बोन फायर पर चल रही तैयारी। जब एक बार बोन फायर हो जाए फिर आपको कवर देता हूँ। नाम मेरे इश्क का दुनिया ने रख दिया, पाक है या है नहीं फैसला भी कर लिया, तहमत खा के। तो पर पहला प्यार जो होता है ना वो हर हद में याद रहता है। तो हुआ नहीं ना यार, तो क्या करूं मैं? तुम जीना देखा है तुम? होगा भाई, होगा, हो सकता है। देखो, किसी को नशे में प्यार होता है, समय, ठीक है, किसी को अपनी यादों से प्यार होता है, बस वही है। So, good morning guys, good morning from Nahan, और मस्ती आपने देख ही ली होगी, काफ़ी इन्जॉय भी करा होगा। मैंने बहुत मस्ती की और बहुत मज़ा आया, और इस मज़े के चक्कर में मैं फिर से वीडियो एंड करनी भूल गया। तो जस्ट आज है डे 3, और यहाँ से है बैक टू पवेलियन की तैयारी। तो मैं जस्ट अभी इसी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े लेते रहिए मेरी तरह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।